नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के नए शो में। आज के बाद हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे, आज के बाद हम कुछ अलग बात करेंगे। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको गर्व होगा कि आप किस सिस्टम का हिस्सा हो। इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका अस्तित्व क्या है हमारे भारत के सिस्टम के अंदर? भारत इतना बड़ा गणराज्य है, इसके अंदर आपका अस्तित्व क्या है? इसके अंदर आपका एग्जिस्टेंस क्या है? इसके अंदर आपका क्या वैल्यू है? 125 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर आपका क्या मूल्य है? इस बात को समझने से पहले हम आज से 75 साल पहले जाते हैं। बात है 1946 की, 1946 की, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, और उसके 3 साल बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और अगले ही पल यानी अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू है, इस संविधान की क्या वैल्यू है? आप में से बहुत सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे फैक्ट पता होंगे, लेकिन जो ये 150-200 पन्नों की किताब है, इसकी क्या वैल्यू है आपके लिए? इसकी क्या वैल्यू है आपके लिए इस सोसाइटी के अंदर? मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने पिछले दिनों न्यूज़ में पढ़ा था कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने एक फरमान जारी किया है जिसमें अगर कोई साउथ कोरिया की फिल्में देखता है, साउथ कोरिया के गाने सुनता है, बुक्स वगैरह पढ़ता है, यानी कि जिनका प्रोडक्शन साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, अगर उनको कोई सुनता है देखता है तो उन्हें सरेआम गोली मार दी जाएगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम हर देशों की फिल्में देखते हैं, हम हॉलीवुड के गाने सुनते हैं, इवन दैट हम फॉरेन कल्चर को अपनाते हैं, फॉरेनर जैसे कपड़े पहनते हैं। इवन अगर आज पुलिस आपके घर के अंदर आती है तो एक सर्च वारंट के साथ आती है कि सर हम आपके घर की तलाशी लेने वाले हैं। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको पहले बताती है कि हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन कोरिया और कई ऐसे देश है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर छोटी सी गलती करने पर मौत की सजा सुना दी जाती है, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र क्या है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर आपको अधिकार है, आप वकील से कंसल्ट कर सकते हो, जो दोषी होता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, अगर उसको वहाँ पर बैल मिलती है तो उसे छोड़ दिया जाता है फ्री। लेकिन क्यों, मनमानी क्यों नहीं? आप देख रहे हो, आप आज YouTube पर कुछ भी वीडियो बना सकते हो, आप ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट कर सकते हो, इवन दैट मोदी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, आपको बहुत सारी छूट दे रखी है, अनलेस कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन आपको अधिकार दे रखे हैं, और अधिकार किसने दिए? संविधान ने। और आपके लिए संविधान की क्या वैल्यू है, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अलादीन की मूवी और सीरियल तो बहुत सारे देखे होंगे जिसके अंदर एक जिन होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है, वो चाहे ना तो चुटकियों के अंदर अलादीन को मार सकता है लेकिन मार नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अलादीन के पास चिराग है और चिराग ही उस जिन को काबू में रखता है। चिराग के बिना अलादीन की कोई औकात नहीं है, चाहे ना तो जिन उस अलादीन को मार सकता है लेकिन मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि चिराग है और हम वही नागरिक हैं। सरकार तो एक जिन है, सरकार के पास बहुत सारी ताकत है, सरकार चाहे ना तो चुटकियों के अंदर हम सब का खात्मा कर सकती है लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास संविधान है और संविधान ने सरकार को बोल रखा है, ये सरकार कुछ भी करना, मेरे नागरिकों को मारना मत, कुछ भी करना, मेरे नागरिकों को बराबर सम्मान देना, उन्हें नौकरी में बराबर मौके देना, कुछ भी करना, मेरे नागरिकों की स्वतंत्रता मत छीनना, अगर वो जो धर्म अपना रहे उन्हें अपनाने देना लेकिन उनके साथ अन्याय मत करना, यह है लिमिट। और इस लिमिट का कारण क्या है? चिराग यानी कि संविधान। इसके कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार आपको सरेआम क्या कहीं पर भी गोली नहीं मार सकती। लेकिन आप कहोगे कि इस आर्म फोर्सेस एक्ट के अंदर ऐसी स्पेशल पावर दे रखी है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि वो स्पेशल पावर वो स्पेशल रीजन में दे रखी है, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण दे रखी है, लाइक कहीं पर भी खराब माहौल है वहाँ पर दे रखी है, जैसे नागालैंड वगैरह। इस पर मैं कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पर लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि हमारे संविधान की वैल्यू देखो आप। जैसे अगर आप आज के समय में नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी चिराग है, उनके पास भी संविधान है, क्योंकि संविधान हर देश के पास होता है, क्योंकि बिना संविधान के कोई देश चलता नहीं है। लेकिन वो चिराग किसके पास है? वो चिराग जिनके पास है, वो संविधान किसके पास है? वो सरकार के पास है, और नागरिक बेचारे उस सरकार के सामने कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अफ्रीकी देश लीबिया का नाम तो सुना होगा। लीबिया में एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम था कदाफी, और उसने अपना एक संविधान बनाया जिसका नाम था द ग्रीन बुक, और उसने उस संविधान में लिख रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे सामने नागरिक कुछ नहीं है, मेरा फैसला अंतिम फैसला। इसका विरोध हुआ लेकिन नागरिकों को दे देना दिन गोली से मरवा दिया गया, वो नागरिक बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन आज हम हमारे देश में कुछ भी कर सकते हैं, आज हम हमारे देश में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पर घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संविधान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चिराग है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर आज आपको सरकार गिरफ्तार करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकती है,
मान लो किसी को सरकार अगर बिना वजह किसी को मार भी देती है तो सरकार को बहुत ज्यादा कंपेंसेशन देना पड़ता है। आपको पता है कोरोना के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार को इसका बहुत ज्यादा कंपेंसेशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि संविधान चाहता है कि मेरे नागरिकों की रक्षा हो। देखिए उन देशों की हालत, जैसे आज सूडान में तख्ता पलट चल रहा है, इथोपिया में ग्रह चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर संविधान इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वहाँ पर संविधान इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आज देखो हमारे भारत देश में संविधान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को होल्ड करके बैठा है, सरकार को कंट्रोल करके बैठा है। हालांकि इतिहास में एक बार ऐसा मौका हुआ था जब हमारा संविधान बिखरने की कगार पर था, लेकिन फिर भी संविधान उस स्थिति को झेल गया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पहला पार्ट पसंद आया होगा। अब ये तो 100 में से एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। हम हर एक पार्ट को डिवाइड करने वाले हैं, हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे, हम हर एक चीज़ को खोजने वाले हैं, हम बराबर का रास्ता अपनाएंगे। ना हम इस तरफ की बात करेंगे, ना हम इस तरफ की बात करेंगे, हम बीच वाले रास्ते में पर चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। और हमने इसी उद्देश्य से इस सीरीज को स्टार्ट किया है। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आगे बढ़ना है आपके साथ, नॉलेज के साथ बढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।